हम फिर दोबारा आकाश और वायु से जुड़ा है हम ह। जब हम हुम बोलते हैं तो क्या होता है हुम त्रैलोक के वशीकरण और ऊर्जा का भंडार। तो हम को आप बजरंग बली जो है हमारे हनुमान जी उनके साथ भी जोड़ा जाता है ओम हम हनुमते नमः है ना, या फिर इसको आपके एक चक्र के साथ भी जोड़ा जाता है। और हम आपकी वायु की ही शक्ति है, आपके अंदर जो हम है ह ह ह ही है जो अपान को निकालता है। तो हम वो शक्ति जो आपके अपान रूपी ऊर्जाओं को निकालती है, या वो वायु का कारक जो आपके अंदर वो ऊर्जा देता है। अब हम बीज मंत्र में लेविटेशन के भी बहुत सारे रहस्य हैं। वायु को सही जान लिया तो सब जान लिया, बहुत सारी बातें हैं। तो हम यहां पे बजरंग बली यानी हनुमान जी यहां से भी संबंधित है, और उसके साथ में आपकी वायु और वायु का चलना बहाव, वायु का फ्लो इससे भी संबंधित है। चलती हुई वायु, वायु का फ्लो, हम वायु का फ्लो, वायु जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं, वायु जिसके कारण मेरी आवाज सही फॉर्मेट पे आप तक पहुंच रही है। मित्रों मैं चाहता हूं कि ये ऊर्जा, ये रियल नॉलेज, ये रहस्य, ये सब तक पहुंचे, ये हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे जो ढूंढता फिरता है मां भगवती की ऊर्जा को, जो जानना चाहता है अपने आप के विस्तार को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने अंत को और बीच के विस्तार को, जो जानना चाहता है तत्व को, जो जानना चाहता है अपनी ऊर्जा को, जो सत्य में ही उस रहस्य की तरफ अग्रसर होना चाहता है। मैं चाहता हूं कि ये ऊर्जा उन सब तक पहुंचे, ये ज्ञान उन सब तक पहुंचे। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और जो मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं, मैंने नवार्ण मंत्र रहस्य के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। कुंजिका स्तोत्र की बाकी जो पोस्ट्स हैं पीछे, एक यात्रा है जो अनंत है, शायद 6 महीने बाद फिर कुछ और सामने है आपके सामने, मैं कुंजिका को लेके ही आऊं, तो क्या पता, वो भगवती की प्रेरणा है।